हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञप्ति जारी की गई है, जो आपकी 4 जून 2024 को जारी की गई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहे। उत्तराखंड की आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है और आप एक प्लेलिस्ट प्रीवियस ईयर नाम से बनी है, उसको ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें 2023 के नए पैटर्न पर आधारित सारे पेपर मैंने हल करा रखे हैं। जितने भी पेपर 2023 में हुए हैं, सारे के सारे पेपरों को हल कराया गया है। यदि आप उनको अच्छी तरह देख लेते हैं तो आपकी 50% तैयारी उन पेपरों से हो जाएगी। बाकी 50% है वो आप वीडियो देख सकते हैं, उससे तैयारी आपकी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखने से पहले आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है, आप भर्ती आने वाली हैं, क्योंकि चुनाव हो चुके हैं और आपको नई नई भर्ती देखने को मिल सकती हैं। चलिए इसमें क्या कहा देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें रिजल्ट जारी कर दिया गया है, किसका रिजल्ट है ये देख सकते हैं। आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 5 दिसंबर 2023 के द्वारा इंटरमीडिएट स्तरीय अर्हता के आबकारी सिपाही परिवहन आरक्षी उप आबकारी निरीक्षक के पदों की शारीरिक मापझोक एवं दक्षता परीक्षा दिनांक किस तारीख को हुई थी, देखिए 11/1/2024 5 परीक्षा केंद्रों पर संचालित की गई। अवगत कराना है कि शारीरिक मापझोक एवं दक्षता परीक्षा के उपरांत उक्त पदों के साथ साथ हॉस्टल मैनेजर ग्रेड 3 गृहमाता हाउसकीपर महिला के पदों की लिखित परीक्षा दिनांक 30/6/2024 कब 30/6/2024 को कराई जाएगी। आप देख लीजिए 30 जून को ये परीक्षा होने जा रही है। तदनुसार लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्य अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को प्रकाशित की गई शारीरिक मापझोक एवं दक्षता परीक्षा सूची में अपने चयन के संबंध में कोई आपत्ति है तो वह दिनांक 9/6/2024 तक आयोग की मेल दे रखी है। इस मेल पर आप जाकर आयोग को अथवा कार्यालय में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 9/6/2024 के उपरांत उक्त के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। साफ साफ कह रखा है उन्होंने, 9/6/2024 तक आप प्रत्यावेदन लगा सकते हैं, दे सकते हैं, आपका विचार नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए 30/6/2024 को आपकी परीक्षा होने जा रही है, यानी कि ये आपकी 30/6/2024 को आयोजित की जाएगी। पूर्ण संपूर्ण रूप से दे रखा है। देखिए आप सबसे पहले एक अनुमान लगाइए यहाँ पर कि आपकी परीक्षा 30 तारीख को होने जा रही है। अपनी तैयारी बनाए रखें और आप पढ़ते रहें, क्योंकि परीक्षा 30 जून को डिक्लेयर कर दी गई है। इसमें देखिए मैं आपको रोल नंबर दिखाने वाला हूँ, इसमें इसी से रोल नंबर कहाँ कहाँ दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इतने लोगों का रोल नंबर दिया गया है। देखिए यहाँ पर सारे के सारे रोल नंबर दिए गए हैं, ये 110 पेज हैं, बहुत लंबी PDF है ये, तो ये आपके रोल नंबर दिए गए हैं। इसमें इनकी परीक्षा जो सफल अभ्यर्थी हुए हैं उनके रोल नंबर दिए गए हैं। ये आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।